अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। दुबई आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। जी तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है बहरीन से रिलेटेड कि जो लेटेस्ट जो वीज़ा इशू नहीं हुए LMRA, ठीक है, लेबर मार्केट रेगुलेशन अथॉरिटी, जो बहरीन की वीज़ाज को डील करता है या जहाँ से बहरीन का वीज़ा एप्लीकेशन आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो लेटेस्ट एप्लीकेशन आईडीज आई थी एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ाज की, वो कोरोना वायरस के केसेस की वजह से, क्योंकि इन्होंने पहले 21 से 3 जून तक विजिट वीज़ा और विजिट वीज़ा पे जो फ्लाइट्स आनी थी उनको सस्पेंड किया था। अब इन्होंने वर्क परमिट्स जो प्रोसेस में थे वो सस्पेंड किए हैं और नए वर्क परमिट्स प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। जो वीज़ाज आ चुके हैं वो वीज़ा कैंसिल नहीं होंगे, ना वो कैंसिल हुए हैं, उनकी फ़्लाइट्स 3 जून के बाद ही प्रोसेस होंगी, क्योंकि जो फ़्लाइट्स लाइनअप थी वो कैंसिल हो गई हैं। ये एक ब्रेकिंग एमरजेंसी, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ जो भी समझो, ये वो है। क्यों है? क्योंकि खप जो डल गई थी सऊदी की, सऊदी ओपन हो गया तो लोग जा रहे थे, वो सऊदी के साथ भी उन्होंने बॉर्डर्स ओपन किए, लेकिन कोरोना वायरस के केसेस स्टिल कंट्रोल नहीं हो रहे। प्लस इंडिया और कोरोना ये पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस होते हैं उसमें राइज भी आ रहा है, फ्लक्चुएट भी हो रहा है, तो उसकी वजह से ये बैंड है। और अगर आप हमारे थ्रू जो हमारे पास जॉब्स हैं अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप फर्दर जब तक, अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो जब तक इसकी कोई अपडेट नेक्स्ट नहीं आएगी तब तक आप होल्ड कर लें, ठीक है। आपको कोई वीज़ा प्रोसेस नहीं करा सकते हम। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑलरेडी प्रोसेस थे वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। जब नेक्स्ट ये फर्स्ट से फिफ्थ के दरमियान ईमेल ये आई हैं, एक कंपनी ने मुझे फर्स्ट से फिफ्थ का कहा है, एक ने 17 जून का कहा है, तो जब वीज़ाज अप्लाई होंगे तब हम जो हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करेंगे और मैं वीडियो भी बनाऊँगा। तो ये एक न्यूज़ थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे सुबह से 2-3 लोगों ने भी अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, मेरे क्लाइंट्स नहीं थे लेकिन उन्होंने मुझे शेयर किया कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो रहा है, किसी ने हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं किया, या जानबूझ के तो कैंसिल नहीं किया, जानबूझ के किसी ने कैंसिल नहीं किया, एजेंट ने फ्रॉड नहीं किया, लेबर मार्केट जो LMRA है, जो बहरीन की गवर्नमेंट है, उन्होंने ही वीज़ा कैंसिल किए हैं कोरोना वायरस की वजह से। अब इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना चाहिए जब आपका नेक्स्ट, और हाँ जो लोग ऑलरेडी बहरीन में हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे क्लाइंट्स जा चुके हैं, उनको वहाँ पे बाहर आउटसाइड कंपनी या आउटसाइड जो उनकी अकोमोडेशन है लेबर कैंप से, उनसे बाहर के मूवमेंट पे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और उनको एडवाइस किया जा रहा है और फोर्स किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवा लें। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से अभी आप गए नहीं हैं तो आप सिनोफार्म जो वैक्सीन है वो लगा लें, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, उसकी एक डोज़ अगर लगाई हुई अच्छी बात है कि यहाँ लगा लें, और अगर बीच में आपकी फ़्लाइट आ गई तो दूसरी वहाँ लगा लेना, और अगर दोनों के चांसेस यहाँ पे हो गए तो दोनों यहाँ पे लगा के सर्टिफिकेट ले जाएं। अगर मैनुअल सर्टिफिकेट है वो भी चलेगी, मुश्किल नहीं है। और अगर आप अपना नादरा से रजिस्टर्ड जो वो होगा, मतलब कंप्यूटराइज जो सर्टिफिकेट होगी वैक्सीनेशन की, वो भी लेके आप जा सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब वीज़ाज होल्ड ही हो गए, सस्पेंड कर दिए हैं, वो फिर से सेम कॉस्ट पे, मतलब फिर एक्स्ट्रा कोई पैसे नहीं लेंगे और कंपनीज अप्लाई करेंगी, तो हमें टाइम मिल गया, इस टाइम पीरियड में आप अपना यहाँ पे वैक्सीन करा के बहरीन के लिए रेडी हो जाएं। तो ये एक अपडेट थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो पसंद करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए नेक्स्ट कॉन्टेंट क्रिएट करने में। तो फिर मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।